हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ओके होंगे। माय सेल्फ प्रणदीप सिंह और हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ वैल्यूज एक्स एंड वाई मेकिंग द पेयर मैट्रिक्स इक्वल। तो आपको ऐसा बोल रहे हैं कि एक्स और वाई की ऐसी कौन सी वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँ कि आपके पास ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिक्स बन जाए। ठीक है सर, तो देखो इक्वल मैट्रिक्स कंसेप्ट क्या होता है कि सर जो जो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इस मैट्रिक्स से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होना चाहिए। ऐसा ही होता है? हाँ सर। तो मैं मान लेता हूँ कि पहले ये फर्स्टली इक्वल है, मान लेता हूँ। इक्वल कब होंगे कंडीशन? जब ये दोनों इक्वल प्रूफ करूंगा, मतलब इक्वल पुट करता हूँ, फिर वाई की वैल्यू निकालता हूँ। देखो पहले एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, और यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ से वाई की वैल्यू। तो पहले मैं वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वो मुझे ज्यादा ईजी लग रहा है। तो आपको पता है वाई माइनस 2 5 आएगा, तो ये वहां जाएगा, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? सर 7 आ गया। ठीक है सर, अगर यहाँ 7 रखूंगा तो 7 माइनस 2 करके 5 आ जाना चाहिए। यहाँ भी एक वाई दे रखा है, वाई प्लस 1 इक्वल्स 2 8, इसको वहां भेजो, वाई का वैल्यू भी 7 आ रहा है। इसका मतलब वाई की वैल्यू तो 7 पुट करनी पड़ेगी। अब देखो ऑप्शन वाई वाले 7 का है सर, एक तो ये रहा वाई वाला 7, ये रहा वाई वाला 7। ठीक है सर, अब मेरा आंसर ए और सी में से होना चाहिए कोई। अब एक्स की बात कर लेते हैं, 3x+7 जो है 0 के इक्वल, अगर तो 7 वहां जाएगा, -7, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास? -7/3। यही चीज अब मैं इसके लिए कर लेता हूँ, 2 -3x=4। 3x वहां भेजो, 4 यहाँ भेजो, 2 -4=3x, -2=3x, और -2/3 हो गया आपके पास x का वैल्यू। अब फंस गए भैया, x की तो दो दो वैल्यू आ रही है, तो आपको क्या बताया, हेयर x हैव टू वैल्यूज x=-7/3 एंड x=-2/3। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इन इक्वल मैट्रिक्स ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल एंड देयर कॉमन एक्स वाई ए जेड वैल्यूज आर ऑल्सो इक्वल। जो इनमें कॉमन वैल्यूज है ना, जैसे यहां पर वाई है तो यहां पर वाई है, तो दोनों वाई इक्वल होने चाहिए। यहां पर भी एक्स है, यहां पर भी एक्स है, तो दोनों एक्स इक्वल होने चाहिए, तब जाके आप उसको जो है इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हो। तो आपका बी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ये हम फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक्स की दो वैल्यूज आ रही है, डिफर वैल्यूज आ रही है। ये जो एक्स वाली जो वैल्यू है ना, -7/3 इज नॉट इक्वल्स टू -2/3। बताओ समझ में आया क्या? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीटेड।